तो हम एक बार फिर आ गए हैं इस किचन में ग्लोकल के, और शेफ डिश रेडी है हमारी। हाँ सर, दिखाइए। हाँ 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 हाँ, देखकर तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। जी हाँ, खाने के लिए ये कहा जाता है कि जो चीज़ आँखों को भाए वो मन को भी भा सकती है, और ये देखकर बड़ी सुंदर लग रही है। नमस्कार, मैं हूँ शाइन तिनी और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड खास जगह पर आई हूँ। आप नाम पीछे देख ही सकते हैं, ये है मीठा बाई रेडिसन। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ अ स्वीट शॉप एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस टुडे। और कारण ये है कि मकर संक्रांति इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और मेरा ससुराल जो है वो जयपुर है और वहाँ पर मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जयपुर तो नहीं जा पाऊँगी, मैं मुंबई में ही मनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मुंबई में ही एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेलिब्रेशन मैं कर लूँ। और जब आप कोई भी इंडियन फेस्टिवल्स की बात करते हो तो मिठाई के बगैर तो वो डेफिनेटली इनकम्प्लीट रहता है। देखिए, मैं दो ऐसी जगहों से बिलोंग करती हूँ जो खाने के लिए बहुत फेमस है। मायका है कोलकाता, ससुराल जैसे मैंने बोला जयपुर। और कोलकाता की अगर हम बात करें और जयपुर की अगर हम बात करें, स्वीट्स एंड फूड आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं बंगाली हूँ तो खाना तो मुझे अच्छा ही लगता है, मीठा भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखिए लुक एट द वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स। मैं तो ऑलरेडी यू नो बहुत मन कर रहा है कि अभी से मैं टेस्टिंग चालू कर दूं। सो बहुत अलग अलग है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को तरह तरह के जो स्वीट्स यहाँ पर है। बट मैं तो डिग इन करने वाली हूँ, आई एम गोइंग स्टार्ट माय टेस्टिंग प्रोसेस, और ताकि मैं आराम से बिना झिझक टेस्ट कर पाऊँ। मैं ये कैमरा किसी और को थमाऊँगी, लेकिन इस छोटे से जर्नी में बने रहिए और मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए मीठा। आई लव पिस्ता फ्लेवर, बहुत ही अच्छा ही अंदर क्या है। मैं कैलोरीज के बारे में आज भूल जाती हूँ, इस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है। पतिदेव तो बहुत खुश होने वाले हैं, बिकॉज हमारे घर में वही मुझे मोस्टली खाना बना के खिलाते हैं। इज वेरी गुड एट कुकिंग, आई एम नॉट। एंड इंटरेस्टिंगली आज उनका जन्मदिन भी है, सो आज मैं कोशिश करती हूँ उनका मुंह मीठा कर पाऊँ अपने हाथों से कुछ बनाकर। हेल्प करना होगा मुझे, क्योंकि मैं मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। आज हम आपको घेवर बनाना सिखाएंगे, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक में आ रहा है, तो इसके लिए हम आपको घेवर बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो रघुवंदी जी थोड़ा बता दीजिए ना, मतलब क्या करने वाले हम एग्जैक्ट। तो अभी हम लोग ये हमने मल्ली लगाया है जो घेवर की, जिसको मलाई घेवर बोलते हैं, और ये हमारा सांचा है देसी घी में रखा हुआ है। तो हम इसको इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ये फेस बनेगा और जालियां बनेंगी पूरा। इसके बाद कुछ 4 से 5 बार में फिर घेवर तैयार हो गए। हम मलाई घेवर बनाएंगे आज। ओके, आई एम एक्साइटेड, चलिए शुरू करते हैं।
मुझे एक्चुअली इसको देख के गाना याद आ रहा है, मतलब गाना कुछ और है, मैं इसको ट्वीक करने वाली हूँ। घेवर 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 रे। तो चलिए हम अगले स्टेप को करते हैं, अभी काफी सारे स्टेप्स बाकी है, सो लेट्स गेट गोइंग। खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मैंने घेवर बनाया, लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि अनुग्रह को मैं टेस्ट कराने वाली हूँ। उनको पसंद आता है कि नहीं आता है वो मायने रखता है, बट आई एम श्योर वो इतना प्यार करते हैं मेरे से कि एक तो सबसे पहले आई एम श्योर कि शेफ़ की मदद से अच्छा ही बना होगा और उनको अच्छा भी लगेगा क्योंकि मैंने प्यार से बनाया है। और जयपुर में बैठी मेरी सासू माँ भी बहुत खुश होगी कि बहू जो अभी खाना भी बना रही है। सो या आई थिंक ये एक बॉक्स बाकी था मेरे रेज्यूमे में कि मैं खाना नहीं बना पाती थी, बट शुरुआत तो मैं कर चुकी हूँ। और मैं यही सबके लिए यही ऊपर वाले से दुआ मांगूंगी कि जैसे कि अमीठा है वैसी ही मिठास हम सबकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहे। हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस, एंड लाइक आई सेड लेट्स ऑल हैव अ लविंग लविंग ईयर अहेड। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, एक मीठा साल हम सबके लिए बीते। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, हैप्पी मकर संक्रांति एंड टेक केयर। ABP News, आपको रखे आगे।